लॉजिकल पैराग्राफ राइटिंग क्लास 10th के बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये रहने वाला है, तो ज़रूर देखें एंड तक। क्वेश्चन हमारा है कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया है, इस क्वेश्चन के थ्रू हम इस जो हमारा ग्राफ है रीड करेंगे और किस तरीके से हम लोगों को आंसर लिखना है ये सीखेंगे। सर्वे वॉज कंडक्टेड ऑन परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड यूजिंग वेरियस हाउस होल्ड यूटिलिटी प्रोडक्ट्स एंड द रिजल्ट इज एविडेंट इन द बार चार्ट गिवन बिलो। तो बार चार्ट है, उसमें हमें दे रखा है कि भाई हाउस होल्ड यानी कि जो घर है उन पर सर्वे किया गया है और 2000 में उन्होंने कितना खर्चा किया या फिर कितना उनका परसेंटेज बढ़ा इन सामानों का, और 1997 में कितना था, मतलब 1997 में घरों में कितने टीवी थे, कितने फ्रिज थे, कितनी कार थी, उसके कंपैरिजन में 2000 में कितने टीवी फ्रिज कार बढ़े घटे क्या हुआ, ये पूरा डेटा हम लोगों को प्रेजेंट किया गया है। और इस तरीके के जो होते हैं ना डंडे डंडे से, ये हमारे बार चार्ट होते हैं। तो हमारा जो डेटा रिप्रेजेंट किया गया है वो बार चार्ट की फॉर्म में किया गया है। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या देंगे, एक हेडिंग देंगे। हेडिंग देने के बाद हम लोग अपना पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखेंगे। तो हेडिंग है यूज़ ऑफ यूटिलिटी गुड्स। हेडिंग बहुत ध्यान से हम लोगों को सेलेक्ट करना होता है कि भाई हम लोग क्या हेडिंग दें। अब देखिए परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड्स है तो ये हम लोग दे देंगे हेडिंग तो अच्छा नहीं लगेगा। यूज़ ऑफ यूटिलिटी गुड्स इसलिए हम लोगों ने हेडिंग दिया है क्योंकि ये सारे के सारे यूटिलिटी गुड्स होते हैं। गुड्स होता है सामान, यूटिलिटी मतलब जो सामान हम घर में इस्तेमाल करते हैं। तो किस तरीके से पैटर्न चेंज हुआ है 1997 से लेकर के 2000 तक लोगों के घर के सामान का, वो हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हमेशा स्टार्टिंग ऐसे ही करते हैं आप कि भाई अगर बार चार्ट है, पाई चार्ट है, जो भी है वो लिखेंगे। द बार चार्ट इंडिकेट वेरियस यूटिलिटीज बीइंग यूज्ड बाय परसेंटेज ऑफ हाउसहोल्ड सर्वेड इन द ईयर 1997 से लेकर के 2000 तक। तो ये हमें बार चार्ट गिवन है। पूरे स्टार्टिंग में ना सबसे पहले यही इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई दिया क्या है, किस बारे में आप आगे का पैराग्राफ लिख रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि भाई ये देखो बार चार्ट है, ये इंडिकेट करता है कि हाउस होल्ड ने क्या क्या चीज़ें उनके पास रही हैं साल 1997 से और 2000 के बीच में, कितना बढ़ाए हैं चीज़ें, कितनी घटी हैं, ये हमें बता देना है। चार्ट शोज दैट द मोस्ट पॉपुलर हाउस होल्ड यूटिलिटी आइटम इन 1997 एंड 2000 इज टेलीविजन एंड अबाउट 98% हाउस होल्ड हैव इट। तो सबसे पहले आप ना ये जो एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं इसमें जो हाईएस्ट चीज़ है वो मेंशन करोगे कि सबसे ज़्यादा आपको क्या दिख रहा है, टेलीविजन दिख रहा है। और भाई 100 मतलब बिल्कुल 100 के बिल्कुल पास है, लगभग 98% फैमिलीज के पास टेलीविजन है। जो हाईएस्ट वाली चीज़ है ना वो आपको सबसे पहले बतानी है और जो लोएस्ट वाली है वो आप ट्राई करेंगे कि पैराग्राफ के लास्ट में उसका डिस्कशन करें। तो हाईएस्ट से फिर लोएस्ट की तरफ आप चलते जाएंगे। तो 98% हाउस होल्ड के पास जो है वो टीवी है, ये हमें दिख रहा है। द फैसिनेशन फॉर द टीवी रिमेंस स्टेडफास्ट। अब आपको दो में कंपैरिजन भी तो करना है कि 1997 में देखो जो टीवी था लोगों के पास 2000 में उससे ज़्यादा बढ़ ही गया है। तो टीवी लोगों के घर में ज़्यादा अब मिल रहा है अगर हम 2000 की बात करें तो। तो हमने क्या लिखा कि भाई टीवी 1997 में भी सबसे ज़्यादा था लोगों के पास मगर अब 2000 में और बढ़ गया। सिंस देयर आर नंबर ऑफ चैनल्स टू सूट ईच टेम्परामेंट एंड टेस्ट। अब क्यों बढ़ा है, रीज़न बताओ, क्योंकि भाई चैनल बढ़ गए हैं, लोगों को मज़ा आता है, एंटरटेनमेंट होता है लोगों का, खाली बैठते तो टीवी देखते हैं। Increasing sales of vacuum cleaner and washing machines are clear pointers that doing such chores manually is becoming difficult. अब आप देखो टीवी के बाद हम देख रहे हैं कि वैक्यूम क्लीनर भी अच्छा खासा परसेंटेज के लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम वैक्यूम क्लीनर पे आएंगे। वैक्यूम क्लीनर की सेल पे बढ़ी है क्योंकि घर में खुद से काम करना थोड़ा मुश्किल होता है तो वैक्यूम क्लीनर से आसानी से काम हो जाता है। फ्रिज जो है अपीयर्स टू हैव गेन्ड पॉपुलैरिटी इवन अमंग पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड हैज बिकम अ नेसेसिटी टुडे। फिर हम देखेंगे, देखो पहले हम टीवी पे गए, वैक्यूम क्लीनर, अब फ्रिज पे। फ्रिज देखना कि 1997 में लगभग 75% के पास था, अब 2000 आते आते ये लगभग देख रहे हो 95% लोगों के पास है, यानी कि अब ज़्यादा लोग टीवी पर ज़्यादा लोग फ्रिज भी परचेज करने लगे हैं। फिर हम लोग आएंगे आगे, देखो अब ये नहीं है कि सबका ही बताना है, फ्रिज तक आ गए, वॉशिंग मशीन का इतना थोड़ा सा मिक्स करके हम डिस्कस कर लेंगे। फिर हम देखते हैं टेलीफोन की, भाई 1997 से 2000 में लोगों के घर में टेलीफोन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। टेलीफोन इज ऑल्सो बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर। हाउएवर यूज ऑफ कार, अब हम देख रहे हैं कार मतलब देखो ना ज़्यादा कुछ बहुत थोड़ा सा बढ़ा है, तो कार वगैरह इतना ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, जबकि मार्केट में कार ज़्यादा मैन्युफैक्चर होने लगी है, फिर भी ज़्यादा लोगों ने कार नहीं खरीदनी शुरू करी है।
अभी 2022-23 की बात नहीं कर रही हूँ मैं, 23 में तो बहुत है, बट 2020 2000 की बात हो रही है इसमें, तब नहीं थी इतनी। कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल हीटिंग अपीयर्स टू रिमेन लिमिटेड टू रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी, दो इट हैज़ इम्प्रूव्ड फ्रॉम 1997 एंड नाउ 50% ऑफ हाउस होल्ड यूज इट। तो इसमें देखिए वो होता है ना पंखा और फ्रिज, पंखा हो गया और कूलर हो गया और एसी हो गया, इसका यूसेज भी जो है थोड़ा तो बढ़ा है, मगर फिर भी सबके घर में एसी और कूलर 2000 में हमें नहीं देखने को मिलते थे। 1997 से बढ़े हैं बट इतने ज़्यादा भी नहीं बढ़े हैं। तो हमने पूरा का पूरा डेटा हाईएस्ट से लोएस्ट जाते हुए एनालाइज करा है, और एनालिसिस का मतलब यही होता है कि आपको उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन भी करना होता है। ये नहीं है कि मतलब बिल्कुल अच्छा इसका इतना परसेंट है इसका इतना परसेंट है, नहीं भाई ये चीज़ बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये वाले चेंजेस हुए हैं, थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगा करके भी सोचना होता है अच्छा ये चीज़ बड़ी है ये चीज़ घटी है, फिर आपको सजेशन भी देने होते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए। इसमें तो सजेशन देने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें सोसाइटी से रिलेट करके ही कर देना है। अब ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि भाई बच्चे टीवी देख रहे हैं और टीवी या फिर इंटरनेट का यूसेज परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो आप थोड़ा सा सजेशन भी उसमें डाल दोगे। तो ये हम लोगों ने देखा एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग किस तरीके से लिखा जाता है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।